आज के लेक्चर में स्कैटरग्राम विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना बताएंगे। इसमें स्कैटरग्राम बनाने के लिए मुझको लगता है 4-5 पार्ट में ये बनाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा लंबा विधि है, तो अनुमान है कि 5 पार्ट में ये बनेगा, कंप्लीट होगा ये टॉपिक। जब विद्यार्थियों की संख्या n अधिक होती है, तब पूर्व में बताई गई विधियों जैसे वास्तविक मध्यमान विधि, कल्पित मध्यमान विधि, अंक कम करने की विधि, शून्य विधि से विचलन की विधि एवं अंतर विधि इत्यादि से सहसंबंध निकालना कठिन होता है। इस विधि में आंकड़ों को व्यवस्थित करने के बाद स्कैटर डायग्राम विधि से सहसंबंध की गणना करते हैं। परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होने पर सहसंबंध गुणांक स्कैटर डायग्राम या स्कैटरग्राम भी इसे कहते हैं, स्कैटरग्राम या स्कैटर डायग्राम विधि से निकाला जाता है। बहुधा जब निरीक्षणों अर्थात प्राप्तांकों की संख्या 40 या अधिक होती है, तब इस गणना विधि का उपयोग अधिक सुविधाजनक होता है। इस विधि में सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए कल्पित मध्यमान विधि में प्रयुक्त सूत्र का ही उपयोग करते हैं। अध्ययन की सुविधा हेतु इस विधि को 2 चरणों में समझाया जा सकता है। बहुत सी किताबों में ही 2 चरण लिखे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको 3 चरण कर ले तो अच्छा होगा। 2 चरणों और ब्रैकेट या 3 चरणों में समझाया जा सकता है। तो पहले चरण में हम क्या करेंगे, पहले चरण में हम बनाएंगे पहले चरण में स्कैटर डायग्राम तालिका बनाते हैं। स्कैटर डायग्राम तालिका सर्वप्रथम स्कैटर डायग्राम तालिका बनाते हैं या स्कैटर डायग्राम तालिका का निर्माण करते हैं। और दूसरा जो चरण है वो है स्कैटर डायग्राम तैयार करना, उसके बाद आता है स्कैटर डायग्राम तैयार करते हैं इसके बाद। और तीसरा है इसके बाद स्कैटर डायग्राम से सहसंबंध की गणना करते हैं इसके बाद। तो नॉर्मली लोगों ने क्या लिखा है, स्कैटर डायग्राम तैयार करते हैं और स्कैटर डायग्राम से सहसंबंध। लेकिन इसमें एक और चीज़ ऐड कर लीजिए, हमने यहाँ ऐड कर दिया है कि स्कैटर डायग्राम तालिका बनाते हैं, ये भी एक अलग तरह का चरण है, बिना इसके स्कैटर डायग्राम नहीं बना सकते। तो इसको मैंने इसलिए 3 चरणों में विभक्त कर दिया है। तो पहला चरण जो है वो स्कैटर डायग्राम तालिका बनाना है, प्रिपरेशन ऑफ स्कैटर डायग्राम। किन्हीं 2 परीक्षणों गणित टेस्ट ए एवं हिंदी टेस्ट बी की परीक्षा में 50 छात्रों को निम्नलिखित अंक प्राप्त हुए हैं। दोनों विषयों के प्राप्तांकों के बीच स्कैटर डायग्राम विधि से सहसंबंध ज्ञात करना है या ज्ञात कीजिए। 50 स्टूडेंट्स ऑब्टेंड फॉलोइंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड हिंदी टेस्ट रेस्पेक्टिवली, कैलकुलेट कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन बाई स्कैटर डायग्राम मेथड। यहाँ पर पहले हमने गणित विषय में लिया है, गणित विषय में प्राप्तांक, इसको हमने वाई चर मान लिया है, वाई वेरिएबल, 2 वेरिएबल हैं। स्कोर्स इन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, 50 बच्चों के अंक इस प्रकार आए हैं, इनको हमने अरेंज करके लिख लिया है, 40, 50, 47, 41, 55, 35, 30, 41, 40, 36, 50, 46, 55, 42, 35, 32, 42, 36, 48, 50,
पैंतालीस, सत्तावन, चौवन, इकतालीस, पैंतीस, छत्तीस, चौवालीस, पैंतालीस, तीस, बत्तीस, पैंतालीस, छप्पन, इक्यावन, बयालीस, छत्तीस, तैंतालीस, बयालीस, चालीस, छियालीस, इक्यावन, बावन, चौंतीस, बत्तीस, छत्तीस, बयालीस, छत्तीस, पैंतीस, बावन, पैंतालीस, अड़तीस। यहाँ पर छात्रों की संख्या 50 है, अतः n बराबर 50। इसके बाद हिंदी विषय में प्राप्तांक एक्स चर, एक्स वेरिएबल स्कोर्स इन सब्जेक्ट। तो हिंदी में देखो अंक बच्चों के क्या अंक प्राप्त किए बच्चों ने, वो उस तरह से लिख दिया है 40, 40, 41, 55, 35, 52, 38, 44, 41, 56, 40। आई हैव अरेंज्ड ऑल दीज स्कोर्स ऑब्टेन बाई 50 स्टूडेंट्स। 36, 35, 52, 40, 62, 50, 60, 36, 42, 42, 46, 36, 60, 45, 53, 42, 55, 36, 45, 56, 51, 46, 45, 50, 45, 32, 45, 40, 62, 41, 55, 50, 38, 55, 40, 36, 34, 55, 44, 40। इस प्रकार यहाँ पर भी छात्रों की संख्या 50 है, अतः n बराबर यहाँ पर भी 50 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऊपर वाले में भी हमने रेड सर्कल से दो अंकों को हमने रेड कर रखा है, तो ये शो कर रहे हैं कि इस सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स में न्यूनतम अंक जो हैं वो 30 मिले हैं बच्चे को और अधिकतम 57 मिले हैं। सिमिलरली आई हैव सर्किल्ड हेयर टू मार्क्स, 32 इज द मिनिमम स्कोर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन सब्जेक्ट हिंदी एंड 62 इज द मैक्सिमम स्कोर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन द सब्जेक्ट हिंदी। ये इसका मतलब है। तो इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि इसके बाद का जो स्टेप है वो एक्चुअल पहला स्टेप होगा और हम वहाँ पर क्या करेंगे, स्कैटर डायग्राम तालिका बनाएंगे, उसको पूरा बताएंगे, उसकी थ्योरी बताएंगे, तालिका बनाएंगे। उसके बाद तीसरे पार्ट में हम स्कैटर डायग्राम पूरा बनाने का विधि बताएंगे और मैथमेटिकली भी इसको हम लिखेंगे। तो ये लेक्चर जो है स्कैटर डायग्राम का पांच पार्ट में कर लगभग कंप्लीट होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट था, इसके पांचों पार्ट जब देखेंगे तब क्लियर पता चलेगा। एक पार्ट में इसको बना नहीं सकते, बहुत लंबा हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट स्कैटर डायग्राम पार्ट वन। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक द वीडियो।